एक क्लंप मिलेगा हमारे को इसके साथ। दो ये रॉड मिलेगी, ये कप होगा एक साथ में, बॉबिन भी बोलते हैं इसको। स्क्रूज होंगे कुछ, ये रबर होगी इसको नीचे रखने के लिए ताकि आवाज ना करे। अब इसकी असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले एक कप लेना है। कप के यहाँ पे आप देखोगे ये दो आपको दिखेंगे बाहर को, इसको हमने यहाँ पे लगा के क्लॉकवाइज घुमाना, कप को क्लॉकवाइज घुमाना, क्लॉकवाइज घुमा के टाइट हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे, टाइट हो गया। इसके बाद अब मशीन ये फिट हो गया। के बाद एक ये रॉड है, इसको हमने इसके आगे यहाँ पर इस जगह में यहाँ पे लगाना, थोड़ा सा पुश करना अंदर को। अब ये भी लॉक हो गया, अब देख सकते हो। इसके बाद इसको लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे अंदर खुले जाके पुश कर देना नीचे, और स्क्रू ड्राइवर से ये स्क्रू टाइट कर देना। दूसरी साइड का भी ऐसे लगेगा, इसको पकड़ के नीचे ले जाके यहाँ अच्छे से, जब तक बैठेगा नहीं तब तक टाइट नहीं करना है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है। अब हमारा बोल बैंड बोल बैंडर हमारा सारा असेंबल हो गया है, सिर्फ इसको हमने क्लंप के साथ टेबल पे फिट करना है। ये क्लंप यहाँ पे लगेगा और टेबल के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, इसको हम बाद में फिट करते हैं। अब इसके साथ आपको इसका अम्ब्रेला सेट भी मिलेगा, चरखा भी बोलते हैं। इसमें एक क्लंप होगा, चार ऐसी रॉड्स होंगी, ये चार होंगी ऐसी रॉड्स, वन टू थ्री एंड फोर। इसके अलावा आपको कप मिलेगा, इसकी भी असेंबलिंग आपको हम करके दिखाएंगे। इसकी असेंबलिंग करने से पहले सबसे पहले ये कप को खोल लेना है, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको रोटेट करके निकाल लेना, अलग कर लेना। इसको अलग करके अपने बीच में छोड़ देना है, यहाँ पे ये यहीं पे बीच में रहेगा, इसको आपने अलग रख देना है। इसके बाद अब हमें रॉड्स लेनी है, रॉड्स को अब इसका जो फर्स्ट होल है यहाँ पे
और जो यहाँ का फर्स्ट होल है इसमें हमने ये तार डालनी है। फर्स्ट और फर्स्ट होल में गई और यहाँ से बाहर, यहाँ से ये सेकंड और सेकंड होल से बाहर आएगी। दूसरी तरफ से जो बाहर आएगी ये सेकंड और सेकंड होल से बाहर आएगी। अब फिर हमने यहाँ के इस तरफ के फर्स्ट होल और इस तरफ के फर्स्ट होल से डालना है और सेकंड और सेकंड होल से बाहर आ जाएगा ये। अब इसके यहाँ से भी फर्स्ट होल और यहाँ से फर्स्ट होल में डालना है फिर से। और यहाँ से ये सेकंड और सेकंड होल से बाहर आ जाएगा, देख सकते हो। और डालने का तरीका भी सेम है। ये जो आपको ये वाली साइड ऊपर रखनी है, ये भी ध्यान रखना है, ये जो साइड है ये सब साइडें ऊपर रहनी चाहिए। इसको उल्टा नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ से भी हम फर्स्ट और फर्स्ट होल में डाल देंगे फिर से, वहाँ से बाहर। अब हमारा चरखा रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे, अब जो ये क्लंप है, क्लंप आपको साथ मिलेगा, क्लंप को हम नीचे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे और ये ऐसे चरखा हमारा घूमेगा। अब हमको जो ये कप हमने बाहर कैप रखा था बाहर पहले, इसको अब हमने लॉक कर देना। अब लॉक हो गया, अब हमारा चरखा रेडी है। इसमें अब हमारे को इस क्लंप के ऊपर ऐसे रख देना है, क्लंप को टेबल पे लगा देना है और उसके बाद चरखा हमारा अब रेडी है। चरखा लगाने के लिए ये जो क्लंप आपको मिलेगा पतले वाला, आपको दो तरह क्लंप मिलेंगे। ये पतले वाला क्लंप आपको पहले टेबल पे लगा देना है और यहाँ से ऊपर से इसकी नॉब को घुमा के टाइट कर देना है ताकि आपका क्लंप अच्छे से टेबल को पकड़ ले। क्लंप हमारा टाइट हो गया। अब हमारे को यहाँ पे सिर्फ इसको ऊपर रख देना है, ऐसे ऊपर सिर्फ आराम से रख देना और हमारा चरखा इजीली। स्पूल वाइंडर को टेबल के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे आपको अटैच करना है, यहाँ पे देख लेना, आपको स्पूल वाइंडर को लगा के ये क्लंप को हमको क्लंप को टाइट कर देना नीचे से, नीचे ऊपर। क्लॉक वाइज इसको घुमाना है अपने और अच्छे से टाइट कर देना। अगर आप हाथ से टाइट नहीं कर पाते हो तो आपको स्क्रू ड्राइवर को लेना है, इसको पकड़ के आपको स्क्रू ड्राइवर को टाइट कर देना। तो आपका होल वेंडर रेडी टू वर्क है। इसके ऊपर अब हम लच्छा लगाएंगे। लच्छा लगाने का क्या तरीका है वो आपको बताएंगे। इसको पहले अच्छे से खोल लेना चरखे को। खोलने के बाद लच्छे को ऐसे आपको राउंड अच्छा लेके इसको एक तरफ से शुरू कर लेना। यहाँ भी पहले लगा लेना, फिर ये यहाँ पे लगेगा, इसके बाद यहाँ पे लगेगा और लास्ट में फिर ये इनको खींच देना अच्छे से, सारी तरफ से बराबर खींच देना ताकि अच्छा अच्छे से मशीन को ये। अब हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना चारों तरफ से, यहाँ से भी इसको ढक्कन को भी टाइट रखना है, इनको भी खींच के रखना ताकि ये धागा कहीं से लटकना नहीं चाहिए। अब इसका एक सिरा हमारे को यहाँ से मिल जाएगा, सिर मिल जाएगा। हमें अच्छे से धागा लेना है, आगे का सिर लेना है। सबसे पहला स्टेप है यहाँ से धागा पीछे से अंदर आएगा, दूसरा स्टेप है यहाँ से आएगा अंदर और लास्ट स्टेप है इसके अंदर, इसके दोनों तरफ में आके यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना बस। और इसके बाद हमने अब बनाए और हमारा गोला बनना शुरू हो जाएगा।
बीच में आप इसको धागे को ऐसे चलते चलते आप अपने चरखे को ऐसे रोक भी सकते हो, और बीच में जैसे आपको अगर लगे कि धागा आपका लूज हो रहा है, इसको आपको दोबारा से टाइट करना पड़ेगा। टाइट करने के बाद वो धागा लटकना नहीं चाहिए, एक और से भी आपको बाहर मिल सकता है, इसका इसको अंदर कर देना और आपको फिर से दोबारा से वैसे ही बोला बाकी को ग्लीड कर देना। अब आप देख सकते हो हमारा सारा गोला कंप्लीट हो चुका है, बाइंड हो चुका है। इसके ऊपर कैप के ऊपर रखा हुआ हमने बॉबिन के ऊपर, यहाँ से हमें नीचे से इसको आसानी से आराम से लिफ्ट कर लेना है। और इसमें सबसे जो सेंटर से धागा है वो हम निकालेंगे बाहर।